हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? आई होप यू विल बी बेटर एट योर होम। तो दोस्तों, आज मैं अपना ब्लॉग शूट कर रहा हूँ श्री राम टेकरी तपोवन भूमि, जो मध्य प्रदेश के गुना जिले में स्थित है और हमारे गांव से जस्ट उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों, राम टेकरी आश्रम मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में फेमस है, क्योंकि ये हमारे गुरुदेव श्री श्री 1008 श्री स्वामी अभिराम दास जी महाराज, जिन्होंने इस आश्रम की स्थापना की है। और दोस्तों, बात की जाए इस आश्रम की स्थापना की, तो लगभग इसको 50-60 साल के आसपास हो गए हैं जब गुरुदेव भगवान राम टेकरी पर पधारे थे। तो यहाँ पर जंगल था, बहुत भयंकर जंगल था, बहुत भयंकर पेड़ पौधे थे, और ये एक पहाड़ी क्षेत्र था। बिल्कुल एक तरह से बोला जाए तो काफ़ी हाइट पे एक टेकरी थी जिस पे घना जंगल और जानवर रहते थे उस टाइम। तो बहुत मुश्किल था यहाँ पर मतलब आश्रम का निर्माण करना, लेकिन जब गुरुदेव भगवान पधारे, कुछ दिन वो हमारे गांव में रुके गुरुदेव भगवान, इसके बाद फिर उन्होंने बोला कि यहाँ हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमें गांव के पास में गांव में नहीं रहना है। तो फिर उन्होंने बोला कि हमें गांव से बाहर कहीं रहना है जहाँ पर हमारी तपस्या सही से हो सके। फिर गांव वालों ने महाराज जी से बोला, चलो गुरुदेव आपके लिए कहीं अच्छी जगह देखते हैं जहाँ आप रुक सकें, अपना स्थान बना सकें। तो फिर गांव वालों ने इनको जगह जगह स्थान बताए, तो फिर यही टेकरी जो राम टेकरी के नाम से जाना जाता है आज, तो गुरुदेव भगवान ने इस टेकरी का नाम राम टेकरी रखा, फिर अपना आश्रम बनाया। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ये तुलसी जी जो दिख रही है गुरुदेव भगवान की पहली धुनी, जहाँ पर वो बैठते थे तपस्या में लीन होते थे, तो यही पहली उनकी वो है वेदी जहाँ पर वो अपना तपस्या करते थे। तो ये तुलसी जी का पौधा लगाया है, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और राम टेकरी एक पूरे भारत में एक अपना स्थान बना चुकी है, एक फेमस और सिद्ध स्थल के नाम से जानी जाती है, क्योंकि गुरुदेव भगवान ने उस जमाने में बिना अन्न पानी बिना भोजन किए लगभग 20 से 30 साल यहाँ पर तपस्या करी है। इसके बाद फिर उन्होंने केदारनाथ जाने का निर्णय लिया, फिर केदारनाथ धाम में भी गरुड़ चट्टी जो हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है, वहाँ भी गुरुदेव भगवान का आश्रम है। तो दोस्तों, ये तपोवन भूमि है और बहुत ही फेमस और सिद्ध स्थल है। यहाँ पर संतों का आवागमन होता रहता है, यज्ञ होता है या कुछ अनुष्ठान या मंदिर की प्रतिष्ठा, तो संत भगवान पधारते रहते हैं इस क्षेत्र में। आप देख सकते हो दोस्तों, ये अभी इस जगह को साफ किया गया है क्योंकि यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण होना है। ये दोस्तों, यहाँ पर मंदिर का निर्माण होना है, श्री राम मंदिर का। और ये दोस्तों भंडार घर जहाँ पर संतों के लिए रसोई बनती है, रसोई घर में भंडार घर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो आप, हमारे पुजारी जी महाराज अग्नि तप ले रहे हैं क्योंकि ठंड भी है काफी, और संत भगवान खड़े हुए हैं, भक्त लोग लगे हुए हैं सेवा करने। और ये काका जिन्होंने अपना लगभग पूरा जीवन अपनी सेवा में दे रखा है यहाँ पर राम टेकरी पर। और ये दोस्तों भंडार घर राम टेकरी का, जहाँ पर भंडार बनाया जाता है संतों के लिए, देख सकते हो आप, काफी बड़ा भंडार घर है दोस्तों। ये हमारे कुटारी जी श्री बाल कृष्ण दास जी जो भोजन बनाते हैं संतों के लिए, देख सकते हो आप।
मंदिर जो बना था छोटा सा, तो वो हनुमान जी महाराज का था, बजरंग बली का। फिर उस मंदिर को शिफ्ट करके एक ये बड़ा सा विशाल मंदिर बनाया गया, आप देख सकते हो पीछे की ओर हनुमान जी का। और इसके बाद में फिर शिवालय भोलेनाथ की स्थापना हो चुकी है। अब दोस्तों विशाल राम मंदिर का निर्माण होना है, तो उसके लिए ये जगह चूज की गई है, देख सकते हो आप, पश्चिम दिशा की ओर है और सामने मंदिर का द्वार रहेगा। तो काफ़ी भव्य मंदिर का निर्माण होना है आने वाले समय में, क्योंकि दोस्तों राम मंदिर ही बस रह गया है यहाँ के लिए, और इसके बाद कोई काम नहीं है। आश्रम पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, संत भगवान अपना यही तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। और ये भी दोस्तों आप देख सकते हो भगवान का एक प्राचीन मंदिर है छोटा सा, जब राम टेकरी निर्माण हुआ था आश्रम का तब से, देख सकते हो दोस्तों आप। ये है हनुमान जी महाराज का मंदिर बजरंग बली का, आप देख सकते हो श्री राम। तो मैं आपको मंदिर में लेके चलता हूँ अंदर, देख सकते हो दोस्तों आप ये मंदिर श्री हनुमान जी महाराज का। श्री राम जय राम, देख सकते हो दोस्तों आप श्री मनसा पूर्ण हनुमान जी मंदिर। यहाँ पर ये रामायण जी के पाठ चल रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से लगातार। तो दोस्तों आपको जब भी मौका मिले तो आप जरूर पधारें मध्य प्रदेश के गुना जिले में। ये देख सकते हो दोस्तों संत भगवान पीछे खड़े हैं, अपने बाल भोग कर रहे हैं भंडार के पास। ये दोस्तों झालर, ये है ड्रम, और ये हमारे प्रीतम भैया जो राम टेकरी पे काफी देखभाल करते हैं। तो दोस्तों आपको अच्छा लगेगा मेरा ब्लॉग। और दोस्तों ये है शिवालय, आप देख सकते हो ऊपर ओम नमः शिवाय। यहाँ पर दोस्तों शिव पंचायत विराजमान है, आप देख सकते हो। पहले एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था दोस्तों यहाँ पर जब आश्रम का निर्माण हुआ था, लेकिन आज धीरे धीरे आश्रम की काया पलट चुकी है, क्योंकि यहाँ पर देश नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं और अपना चढ़ावा डोनेशन जो भी है वो चढ़ाते हैं और मदद भी करते हैं संत भगवान के लिए, आश्रम के लिए डोनेशन भी देते हैं विदेशों से, जिससे आश्रम की एक भव्य सुंदरता हो गई है। दोस्तों मैं गुरुदेव भगवान के बारे में और कुछ थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जैसे आज से पहले बहुत साल पहले 1863 से लेके 1902 तक, जैसे स्वामी विवेकानंद ने अपने भारतवर्ष की पूरे देशों में सनातन धर्म को फैलाया, अपने भारतीय संस्कृति को विदेशों में जो उजागर किया है, ऐसा ही काम अपने गुरुदेव भगवान कर रहे हैं। विदेशों में भी अपने सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लोगों को सनातनी बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के बाद ऐसे कोई महापुरुष हुए नहीं जिन्होंने अपने देश को देश के कल्याण के लिए कार्य किया है। तो एक एक दिव्य पुरुष हमारे गुरुदेव भगवान, जो अपनी भारतीय संस्कृति को जब भी जाते हैं अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं विदेशों में, तो ऐसे संत महापुरुष के दर्शन मैं आपको कराता हूँ। ये दोस्तों गुरुदेव भगवान के फोटो देख सकते हो आप, केदारनाथ का है जो शिला पे बैठे हैं।
और ये है पार्किंग संतों की, और आप देख सकते हो दोस्तों ये संत निवास, जिसमें जब भी संत लोग आते हैं यहीं पर ठहरते हैं, यहीं पे अपना निवास स्थान बनाते हैं। और दोस्तों यह है प्राचीन कुटिया, जब आश्रम का निर्माण हुआ था तो सबसे पहले यहाँ पर भोजन बनता था संतों के लिए, लेकिन अब पीछे शिफ्ट हो गया भंडार घर। तो देख सकते हो दोस्तों आप, ये देखो भक्त आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। क्या बात है, जय श्री राम। जय श्री राम। ये रणधीर जो डेली आता है यहाँ पर। तो दोस्तों ये गुरुदेव भगवान की कुटिया, जब भी गुरुदेव भगवान पधारते हैं तो यहीं पर उनका निवास स्थान होता है, यहीं उनकी साधना होती है। तो आप देख सकते हो दोस्तों पीछे का नज़ारा, राम महल इधर। दोस्तों प्राकृतिक चिकित्सालय है, केस काउंटर है यहाँ पर, और इधर हॉस्टल है, इधर पीछे की साइड स्कूल भी बना है गुरुदेव भगवान की कृपा से। तो ओवरऑल गुरुदेव भगवान की कृपा से आश्रम का काफ़ी विकास हो चुका है, और आश्रम के साथ साथ जो हमारा गांव है देदला, वो भी गुरुदेव भगवान की कृपा से काफ़ी डेवलप हो चुका है। और गुरुदेव भगवान के आश्रम पूरे देश में जगह जगह हैं, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, इधर राजस्थान। तो दोस्तों काफी अच्छा। ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर गुरुदेव भगवान जब भी पधारते हैं, ये उनका झूला जहाँ से प्रवचन होते हैं, और मैं आपको अंदर लेके दिखाता हूँ। जहाँ पर विश्राम होता है भगवान का, देख सकते हो दोस्तों आप, ये गुरुदेव भगवान है, ये श्री रामानुजाचार्य जी, ये परमेश्वर दास जी, ये हमारे गुरुदेव के गुरु हैं। ये धनी दोस्तों जहाँ पर साधना होती है, और ये कुछ फोटोज रखे हैं गुरुदेव भगवान के जब यज्ञ हुआ था। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए। और हाँ दोस्तों ये आश्रम एक तपोवन भूमि है, तो इस वीडियो को आप पूरे भारत में, विदेशों में भी फैलाओ, ताकि लोग दूर दूर से अपना दर्शन लाभ लें और इस स्थान पे पधारें, और अपने को, अपने जीवन को धन्य करें इस भारत भूमि में, इस तपोवन भूमि पे पधार के। तो दोस्तों इसी की आशा के साथ मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक